हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालार्स एंटरटेनमेंट। और आज मैं एक बहुत ही सिंपल वे में भाजी बनाने जा रही हूँ और उसका नाम है तुरई। तुरई गर्मी के मौसम में, समर सीजन में बहुत आसानी से मिलता है और एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भाजी बनती है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए गर्मी में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। समर सीजन में अक्सर सारे लोग, ऑलमोस्ट लोग इसको लेते हैं ये भाजी को, और इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आज मैं अपने तरीके से भाजी ये बनाऊंगी, जो कि है, ये है तुरई की भाजी। तुरई और आलू डाल के मैं बनाऊंगी तुरई आलू पोस्तो, और पोस्तो का मतलब है खसखस। और खसखस के साथ मैं ये भाजी बनाऊंगी, और ये चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप चाहे तो प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और बनाने में बहुत ही आसान है, ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। सिंपल मसाले में आप इस भाजी को अच्छी तरीके से बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं तुरई की भाजी। उससे पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सबको, शुरू करते हैं। इसको मैंने काट लिया है और दो पटेटो ऐड किया मैंने, और काट के इस तरीके से मैंने मीडियम साइज़ बना लिया है, और चार ग्रीन चिली, और ये है खसखस। खसखस के साथ मैं ग्रीन चिली पीस लूँगी। और शुरू करते हैं झींगे आलू पोस्तो, तुरई पटेटो की भाजी खसखस के साथ। गर्म हो चुका है तेल, और इसमें मैं डालने जाऊँगी काला जीरा और साथ में दो लाल मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी मेरे स्टाइल में। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और ये भाजी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि मसाला इसमें बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। बहुत ही कम खाली हल्दी का उपयोग होगा और थोड़ा सा जीरा पाउडर, दैट्स इट। और जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये गरम हो चुका है। मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें जो है, जो मैंने खसखस को पेस्ट करके रखा था, ये। आंच को बिल्कुल कम कर लेना है आपको, नहीं तो खसखस जल जाएगा। इसको एक मिनट पकाऊंगी। वैसे तो लोग खसखस ऊपर से डालते हैं, मगर मुझे थोड़ा सा खसखस फ्राई पसंद है, इसीलिए मैंने खसखस पहले डाल दिया है। और इसके ऊपर मैं डालूंगी पटेटो। पटेटो को अराउंड मैं 1 मिनट फ्राई करूंगी, क्योंकि तुरई जो है बहुत जल्दी पक जाएगा, इसीलिए पटेटो मैं पहले थोड़ा सा पका लूँगी। 50-60% इसमें फ्राई कर लूँगी, ताकि पटेटो जो है पक जाए और तुरई को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हो रहा है, और इसको लाल नहीं करना है अपने को। और मैं इसके ऊपर डालूंगी अभी तुरई, जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारी। अच्छे से हिला लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सब्जी जो है ये कम हो जाती है। बस 1 टीस्पून मैंने कंप्लीट किया है। और साथ में मैं डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी। इसको अच्छे से हमको हिला लेना है। और खसखस थोड़ा फ्राई हो जाता है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो खसखस फ्राई हो चुका है। और इसमें जब मैं पानी डालूंगी तो खसखस जो है अच्छे से पकेगा सब्जी के साथ। तो खसखस पीसा हुआ पानी भी थोड़ा सा मेरे पास है, वो मैं यूज़ करूंगी, साथ में थोड़ा सा वॉर्म वाटर भी यूज़ करूंगी। अभी ये थोड़ा सा
20% मैंने पक गया है, तो थोड़ा सा मैंने ये जो जीरा जो है, जीरा पाउडर अराउंड टीस्पून एक, ये मैंने डाल दिया है। और इसके बाद मैं डालूंगी खसखस का पानी। ये ऑलरेडी 25% खसखस है जो मैंने पीसा था, इसमें मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था पानी के साथ। अभी ऐड करूंगी वार्म वाटर अराउंड 1 कप। और इसको अच्छे से हिला लूंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें ना लाल मिर्च, ना अदरक लहसुन का पेस्ट, फुल वेज। और जो वेजिटेरियन लोग हैं जो अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी सब्जी है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए देसी घी, ये आधा चम्मच देसी घी डाल दो। सोने पे सुहागा हो गया ये भाजी। और इसके ऊपर मैं डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि मुझे मिर्ची बहुत पसंद है स्पाइसी, तो ये मैंने डाल दिया है। और ये रेडी हो गया है तुरई आलू की भाजी खसखस के साथ। अभी मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ कोरिएंडर से। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है, उससे कई गुना ज़्यादा शिवालों को आप प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आती हूँ अच्छे वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। लव यू ऑल दोस्तों।